और ये या तो इंडियन पार्लियामेंट का फेलर माना जाता है या तो पूरा इंडियन पार्लियामेंट ने मणिपुर को नेगलेक्ट किया है, मणिपुर को इग्नोर किया है। सरकार जो है पूरा देश के खिलाफ है। इस हिस्सा का कारण क्या है? ये हिस्सा का कारण मैथिली कम्युनिटी नहीं है। दो विक्टिम उन लोगों के साथ जो हुआ है बहुत नाइंसाफी हुआ है, वो बहुत गलत है। मणिपुर ही नहीं, पूरा वर्ल्ड ने कंडेम किया है। अगर गलत है तो गलत है, और गलत किसी का साथ नहीं देगा, गलती में किसी का साथ नहीं देगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। अभी मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां मणिपुर को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। कई दिनों से जो है मणिपुर जल रहा है, महीनों हो चुके हैं, लेकिन जो है प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। आप प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कोई जो है इसका रिजल्ट निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? अभी आज मिला के 93 डे है ये मणिपुर का क्राइसिस जो है, पर 93 डे ये क्राइसिस होने के बाद भी ये मणिपुर का सिचुएशन जो है, अभी हालात जो है कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी आर होता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ, कुछ भी ये रिजोल्व नहीं हो पा रहा है। पर उसका कारण तीन रीजन में डिस्कस कर सकते हैं। पहला रीजन ये है कि दोनों रूलिंग पार्टी एंड ओपोजिशन पार्टी जो है, कोई पार्लियामेंट में, इंडिया पार्लियामेंट में कोई भी वो लोग पॉलिटिकल रिजोल्यूशन ला नहीं पा रहा, और ये या तो इंडियन पार्लियामेंट का फेलर माना जाता है या तो पूरा इंडियन पार्लियामेंट ने मणिपुर को नेगलेक्ट किया है, मणिपुर को इग्नोर किया है। सेकेंड पॉइंट ये क्या है कि अभी तक मणिपुर में पूरा असम राइफल सेंट्रल फोर्सेस जो है 50,000 से ऊपर डिप्लॉय कर चुका है, पर फिर भी ये हालात जो है काबू नहीं कर पा रहा है। उसका मेन रीज़न ये है कि असम राइफल जो डिप्लॉयमेंट जो है इनइफेक्टिव है। असम राइफल जो है 3 वेज में पूरा फेल हो गया है। एक तो असम राइफल मणिपुर सेंट्रल फोर्सेस को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और कोई मणिपुर सेंट्रल फोर्सेस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मदद नहीं कर पा रहा है। और एक तो असम राइफल जो है इंडिया इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है उसको प्रोटेक्शन देने में वो फेल हो गया, तभी तो माइग्रेंट्स इंडिया के अंदर घुस रहा है। और असम राइफल जो है बफर जोन जो बनाया है मैथिली कम्युनिटी और ये कुकी मिलिटेंट के बीच में जो बफर जोन बनाया है 2 किलोमीटर का, ठीक यस्टरडे क्या किया कि असम राइफल ने कुकी मिलिटेंट को इस बफर जोन को बाईपास करा दिया। बाईपास करा के जो रात में मैथिली कम्युनिटी के 3 मेंबर अपने अपने घर में सो रहे थे, और उसी टाइम क्योंकि मिलिटेंट्स ने बाईपास ये बफर जो है ना बाईपास करके आके गोली से उड़ा दिया और सर काट दिया। उसका मतलब ये कि असम राइफल जो है वो न्यूट्रल फोर्सेस प्ले नहीं कर रहा है। सो असम राइफल लॉस बहुत डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी। और लास्ट चीज़ क्या है कि ये कुकी सेपरेटिस्ट लोगों जो है वो लोग अपने सेपरेट स्टेट का डिमांड पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए वो दिन रात मैथिली कम्युनिटी की अगेंस्ट में हेट्रेड फैला रहा है। दिन रात वो लोग कैंपेन रन कर रहा है, और वो लोग नहीं चाहता है कि ये हालात कभी भी किसी हाल में काबू कर सके और पीस लाए, वो लोग ये नहीं चाहते हैं। ताकि विपक्ष की बात कर रहे हैं आप, विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है, विपक्ष के नेता जो है वो जा रहे हैं मणिपुर और लोगों से मिल रहे हैं। वो तो मिल रहा है, पर पार्लियामेंट में ये सब जो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन जो है पार्लियामेंट में लाना चाहिए, उसमें बहुत रूलिंग पार्टी एंड ओपोजिशन दोनों एक साथ यूनानिमसली डिसाइड करना चाहिए, अदरवाइज ये पूरा इंडिया पूरा नॉर्थ ईस्ट जल जाएगा। ये इंडिया नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, नॉट ओनली फॉर मणिपुर। और ऊपर से देखो ये कुकी सेपरेटिस्ट कुकी वालों जो है
दिन रात मैतेई कम्युनिटी को प्रोवोक करने का कोशिश कर रहा है ताकि वो लोग रिटालिएट करें और रिटालिएट करते समय वो लोग अपना विक्टिम प्ले कार्ड जो है कास्ट कर सके। सो किसी भी हाल में वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये सिचुएशन काबू में लाए। आप मैतेई कम्युनिटी को जो है डिफेंड कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि मैतेइयों ने सबसे ज़्यादा उग्रवाद फैलाया है। देखो सबसे पहले मैं ये क्राइसिस जो है क्यों हुआ है उसका है ना तीन रीज़न है, तीन ट्रिगर है, उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला रीज़न ये कि मणिपुर पूरा बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ये वॉर ऑन ड्रग कैंपेन है और ये वॉर ऑन ड्रग कैंपेन जो है बर्मीज कुकी मिलिटेंट ने स्ट्रॉन्गली अपोज किया है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट का पॉपी कल्टिवेशन के अगेंस्ट में जो खिलाफ में जो ड्राइव चल रहा है और एक तो इविक्शन फ्रॉम द रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो इलीगल माइग्रेंट्स ने ऑक्युपाइड करके रखा है उसी को उसी जगह को इविक्शन करने का ड्राइव चल रहा था और ये इस ड्राइव को पूरा बर्मीज हुकी मिलिटेंट्स लोगों ने स्ट्रॉन्गली अपोज किया है। कहा तो जा रहा है कि मैतेई कम्युनिटी को और एक तो एक तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट ये है कि कुकी वालों का एक सपना है जालेंगम करके, जालेंगम ये एक सपना है जो यूनाइटेड कुकी नेशन या यूनाइटेड कुकी कंट्री बनाने का और इस जालेंगम को ये जो जो कुकी मिलिटेंट्स का इस्टेब्लिशमेंट जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है इंडिया में बर्मा में बांग्लादेश में ये तीन हिस्सा जोड़ के वो लोग एक जालेंगम बनाना चाहते हैं और इस जालेंगम का सपना पूरा करने के लिए उन लोगों ने सेपरेट स्टेट का सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का डिमांड जो है और ये पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया है उन लोगों ने। कहा जा रहा है कि कुकी जो मैतेई समुदाय है उसको सरकार का पूरा संरक्षण मिल रहा है, उसी के सह पर सारा कुछ हो रहा है। देखो मणिपुर सरकार जो है ये सभी का है, पूरा मणिपुरी वालियों वासियों का है, इसमें सरकार कभी एक मेजोरिटी कम्युनिटी या माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ या सपोर्ट में नहीं है। सरकार जो है पूरा देश के खिलाफ है। ये वॉर ऑन ड्रग कैंपेन जो है नॉट ओनली मणिपुर गवर्नमेंट्स कैंपेन, इज अ गवर्नमेंट ऑफ द रूलिंग बीजेपी पार्टी और इसी वॉर ऑन ड्रग कैंपेन को कुकीज ऑफ बर्मीज कुकीज है उन्होंने पूरा स्ट्रॉन्गली अपोज किया है। और एक तो वही है जो मैंने बताया था कि पॉपी कल्टिवेशन इविक्शन ड्राइव ये सब मैतेई वालों का नहीं, ये सरकार का ड्राइव है और कुकी वालों ने मैतेई कम्युनिटी को एक हथियार बना के अपने दिमाग जालेंगम को पूरा करने के लिए ये वायलेंस प्रपोगेट किया है और ऑर्केस्ट्रेट किया है। मैतेई समुदाय के ऐसे वीडियो आए कि महिलाओं ने जो है उग्रवादियों को छुड़ा लिया सेना से। वो मिलिटेंट्स नहीं है, वो जो महिलाओं ने जो छुड़ाया है वो विलेज प्रोटेक्शन डिफेंस फोर्स से। क्योंकि समुदाय के महिलाओं के साथ जो कुछ किया मैतेइयों ने उसको किस तरह से डिफेंड करेंगे? देखो जो दो विक्टिम उन लोगों के साथ जो हुआ है बहुत नाइंसाफी हुआ है, वो बहुत गलत है। मणिपुर ही नहीं पूरा वर्ल्ड ने कंडेम किया है। अगर गलत है तो गलत है और गलत किसी का साथ नहीं देगा, गलती में किसी का साथ नहीं देगा। वो तो पूरे मैतेई थे ना, पूरे उग्रवादी जिन्होंने ये सारा कुछ किया। देखो उसमें जो हुआ है उसी चीज को लेके पूरा मैतेई कम्युनिटी को ब्लेम करना ना इंसाफी है, सही नहीं है। देखो कुछ कुछ लोग होता है जो हिंसा को भरे, ठीक है, और उन लोगों का अपना अपना खुद इंडिविजुअल पर्सनैलिटी माइंडसेट है और ये इसको पूरी तरह से कहा जा रहा है कि ये जो दंगा भड़की है उसमें पूरी तरह से मैतेई जो है जिम्मेदार है, उन्होंने ये सारा कुछ शुरू किया। देखो मैंने आपको बताया है इस हिस्सा का कारण क्या है, ये हिस्सा का कारण मैतेई कम्युनिटी नहीं है, जो गवर्नमेंट ने जो ड्राइव किया है गवर्नमेंट वहाँ पर अगर किसी को रहने नहीं दिया जा रहा है, उनके चर्च को जलाया जा रहा है, इस वजह से वो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। देखो ये हादसा जो है कोई रिलीजियस मोटिव में बेस किया नहीं जा सकता, ठीक है, और ये कुकी वालों ने ये क्रिश्चियनिटी का बैनर में वो लोग विक्टिम प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, विक्टिम प्ले कास्ट करना चाह रहा है। इसमें ये हिस्सा कोई हिंदू वर्सेस क्रिश्चियनिटी नहीं है,
ठीक है, और धर्म के नाम पे किसी ने अपना अपना खुद का एडवांटेज लेने का कोशिश कर रहा है। क्या यहाँ पर सभी जो है वो मैतेई समुदाय के लोग आए हुए हैं? इसमें मैतेई समुदाय का भी है और नागा का भी है और मैतेई मणिपुरी मुस्लिम का भी है, सब हिस्सा मिलके यूनाइटेडली वी आर स्टैंडिंग फॉर मणिपुर एंड फॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर एंड वी आर फाइटिंग फॉर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एंड वी वांट पीस एंड वी स्टैंड फॉर पीस एंड हारमोनी। और जो ये कुकी सेपरेटिस्ट जो है वो लोग पूरा इंडिया का अलग अलग हिस्सा को तोड़ के वो लोग जालेंगम बनाना चाहता है और दे आर द इनिमीज ऑफ इंडियाज प्राइड इन बीइंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये जो है तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर पर यहाँ पर एलईडी स्क्रीन पर जो है वहाँ की तस्वीरें दिखाई जा रही है जो कि बहुत ही भयावह और झकझोर देने वाली वो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो है आप देख नहीं पाएंगे इसलिए उसको ब्लर करके भी कुछ तस्वीरें हैं जिनको दिखाया जा रहा है और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुकी समुदाय जो है वो अलग राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, इस वजह से वो उनकी मंशा ही अलग है। ये मैतेई समुदाय को सिर्फ बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है और साफ तौर पर चाहे वो कुकी हो या मैतेई हो, एक जो कहनाम है वो सबका कॉमन है कि ये जो दंगा भड़की हुई है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संरक्षण में और उनके शह के ऊपर ये किया जा रहा है और ये राज्य सरकार केंद्र सरकार को जो है इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेने की ज़रूरत है, जल्द से जल्द कार्रवाई करने की ज़रूरत है और वहाँ पर शांति बहाल की जाए क्योंकि सभी जो हैं मणिपुर में शांति चाहते हैं। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी गिरी।